दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब आदमी को पता चल जाता है कि मेरा जो कंपटीशन है वो किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से है, उस दिन उसे सक्सेसफुल होने से सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, आदमी का कंपटीशन हमेशा खुद से ही होता है, किसी और से कंपैरिजन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है उसका IQ तेज हो, उसको एक बार पढ़ने से समझ में आ जाता हो, आपको नहीं पढ़ने से एक बार में नहीं समझ में आता, दो बार पढ़िए, चार बार पढ़िए, हमारे पास कोई समय की कमी तो है नहीं, बहुत सारा टाइम है, तो उसमें पढ़ते रहिए। दोस्तों आज हम दोस्तों यहाँ जो मेन एक टॉपिक बात करेंगे, दोस्तों यू कह सकते टॉपिक भी नहीं है, एक रणनीति कही जा सकती है दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी निकलेगी उसके हम एक किस रणनीति के तहत जो पढ़ाई करें, क्योंकि हमने ये किताब उठाई वो पढ़ ली सारी किताबें पढ़ ली, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं बीच में, हर कुछ कहीं से पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ें आगे उसको रटने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों एक अच्छी रणनीति जो होती है दोस्तों जो है मैच को दोस्तों जीता सकती है, वैसे जो एक अच्छी रणनीति है दोस्तों आपका ये पेपर क्लियर करवा सकती है। तो हम यहाँ एक रणनीति के तहत जो है देखेंगे दोस्तों हम क्या क्या किया जा सकता है टेक्निकल हेल्पर की जो है वैकेंसी को क्लियर करने के लिए, कितनी जो है यहाँ हमारी जो है इसमें कट ऑफ रहेगी और कितने नंबर लगभग हमको जरूरत होगी कि हम अगर उसके ऊपर लाते तो हमारा सिलेक्शन वहाँ तय माना जा सकता है। दोस्तों उसके बारे में हम जो यहाँ एक बात करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को जो है आखिर तक देखें ताकि आपको एक समझ में आए, एक वे पता चले कि अगर हम गलत तरीके से पढ़ रहे हैं तो दोस्तों उसको सुधार के जो है अभी भी जो है दोस्तों पढ़ा जा सकता है और अभी भी कोई इतना ज्यादा देर नहीं हुआ। ये जो तैयारी कर रहे हैं जो काफी टाइम से जो पास आउट है कहीं नहीं लगे उनकी तैयारी के लिए भी ये हो सकता है दोस्तों, और जो भी लेटेस्ट में पास आउट हुए वो भी दोस्तों ये हो सकता है, क्योंकि ITI में क्या होता है दोस्तों हम क्या करते हैं पेपर क्लियर करने के हमारे पास जल्दी रहती है, तो कुछ चीजें कंसेप्ट वाइज पढ़ी या नहीं पढ़ी, अगर आपने पढ़ी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो आप पढ़िए। दोस्तों हम यहाँ एक प्रॉपर जो रणनीति होती है उसके बारे में मैं दोस्तों आपको जो है बता देता हूँ, इसमें हमको क्या करनी है, हमारे व्यू रचना है दोस्तों कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ टेक्निकल हेल्पर का जो दोस्तों पेपर होगा उसमें दो बार होंगे, ये शायद जिन्होंने पिछला पेपर दिया था 2018 का उसको पता होगा, जिसने नहीं दिया होगा तो भी हमने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें बताते रहते हैं, दो पेपर होता है दोस्तों। इसका जो पहला हिस्सा होता है वो होता है टेक्निकल, मतलब हमारा जो ITI की जो बुक है 2 साल की उसमें से ही सारा आएगा दोस्तों। इसमें जो आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की अगर हम संख्या देखें 100 क्वेश्चन आते हैं, हर एक जो क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर का होता है, तो ये हमारे पास लगभग 200 नंबर का जो है एक तैयार हो जाता है बेस। उसके बाद दोस्तों अगला जो होता है उसमें दोस्तों GS होती है प्लस GK होती है प्लस मैथ्स होती है, अब ये इधर दोस्तों 3 होते हैं, अब 3 के मिला के दोस्तों कितने क्वेश्चन होते हैं, ये दोस्तों हमारे पास जो इनके क्वेश्चन की संख्या है दोस्तों 50 होती है और हर एक दोस्तों 1 नंबर का होता है इसलिए 50 नंबर। अब हम दोस्तों इसके टोटल जो है क्वेश्चन की बात करें कि टोटल क्वेश्चन होंगे कितने होंगे, तो 100 प्लस दोस्तों इधर जो है 50, तो हमारे पास ये 150 तो दोस्तों क्वेश्चन हो गए, और हम नंबर की बात करें कि टोटल नंबर कितने होंगे, तो 200 तो इधर के हो गए, 50 इधर के हो गए, तो ये हमारे पास हो गए दोस्तों 250 नंबर। अब 250 नंबर का दोस्तों पेपर होगा, 250 नंबर में हमको कितने लाने पड़ेंगे, कट ऑफ लगभग कितनी जाएगी, तो दोस्तों ध्यान रखिए 250 नंबर में से कम की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, कम से कम जो है हमको 180 प्लस 180 प्लस का अगर हम स्कोर कर सकते हैं तो कहीं हम सपने देखे टेक्निकल हेल्पर के, अगर यहाँ तक की हमारी श्रद्धा नहीं है तो हम इन चीजों के लफड़े में ना पड़े, लेकिन कोशिश फिर भी की जा सकती है दोस्तों, कोशिश हमेशा इसको प्लस करने की ही रखे, ये होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं 150 नंबर लाऊंगा 100 नंबर लाऊंगा सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो उन ख्यालों खुलावों में आप ना बढ़ाए, ना रहे मेरे लाल का हसीन सपने ना देखे दोस्तों, इससे नीचे कुछ नहीं होने वाला, आप इसी को टारगेट मान के चलिए, यही आपके लिए मछली की आंख है, आपको जो तीर है वो यही लगाना है, ये ध्यान रखिए दोस्तों। अब हम दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं टेक्निकल का, हमारे पास जो आ रहा है बड़ा सा हिस्सा टेक्निकल को पढ़ने की जो है हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम टेक्निकल को कैसे पढ़े, तो दोस्तों टेक्निकल में सबसे पहले जो मैं बात करूंगा दोस्तों वो है थ्योरी। थ्योरी जो है फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर दोनों साल की जो थ्योरी है उसको मजबूत करें, हर एक टॉपिक दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक हो, वायरिंग हो, वाइंडिंग हो, मोटर हो, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर हो, बेसिक मैग्नेट वगैरह का जो हिस्सा चल रहा है, सारा कुछ भी हो दोस्तों एक भी चीज हमें मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन है एक नंबर से हम मेरिट में रह जाते हैं, तो हर एक चीज को ध्यान से पढ़िए। थ्योरी को दोस्तों कहाँ से पढ़नी है, तो वो मैं प्रीफर करूंगा दोस्तों निम्मी की बुक, अगर आपके पास निम्मी इलेक्ट्रिशियन की बुक है, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, कोई से भी हो, आप निम्मी को अच्छे से पढ़े,
यहाँ जो है आप निम्मी बुक को जो है दोस्तों पहले जो है रेफरेंस दें निम्मी की, जो दोनों बुक है दोनों साल की, या आपके पास सेमेस्टर वाली हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमको तो सारे ही पढ़ना है, कोई यहाँ सेमेस्टर के पेपर तो हो नहीं रहे। दूसरी बात हम दोस्तों करेंगे, जब तक हमारे पास थ्योरी क्लियर नहीं हो जाती, थ्योरी पूरी हम नहीं पढ़ लेते तब तक हमें कहीं और हाथ नहीं डालना। दूसरी हम जो चीज बात करेंगे दोस्तों, असाइनमेंट, असाइनमेंट निम्मी के जो दोस्तों असाइनमेंट आते हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको ऑफलाइन मिल जाएंगे। निम्मी के जो असाइनमेंट दे रखे हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, चैप्टर से संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे वहां दे रखे हैं, तो आप उनको अच्छे से पढ़िए, चैप्टर पढ़िए, फिर क्वेश्चन देखिए उसके कि ये क्या चीजें पूछ रहा है, लेकिन पहले आपको थ्योरी पढ़ना है। अब दोस्तों ये दोनों चीजें होगी, उसके बाद जो तीसरा जो जाता है दोस्तों कि हमने थ्योरी पूरी पढ़ ली, असाइनमेंट पूरी पढ़ ली, उसके बाद दोस्तों अदर बुक, अदर बुक आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो, क्वेश्चन बुक हो, थ्योरी की बुक हो, जैसे अडवाणी हो गया, आरपी हो गया, जो है नीलकंठ हो गया, इनके पब्लिकेशन की सारी जो भी किताबें अदर आप उसमें देखिए, क्योंकि आपके पास अगर थ्योरी मजबूत होगी, एक मसाला मजबूत होगा, तो दोस्तों जो है अदर बुक में क्या डाटा मिस्टेक है, क्या गलतियां दे रखी, क्या कम है, क्या ज्यादा, वो आप अच्छे से पता कर सकते हो। तो दोस्तों ये तीनों चीजों की जो है आपको तैयारी करनी है, ऐसे आपको पढ़ना है। अब दोस्तों मैं बात कर लूं कि हमारे चैनल पे जो JSTech पे आप जो वीडियो देखते हो दोस्तों, उसमें क्या है, बेसिक से जो हम पहले थ्योरी पे कंसंट्रेट करें, अभी भर्ती निकली नहीं, निकलने में टाइम है, तब तक हम क्या करें, बेसिक 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 जो थ्योरी के जो चैप्टर है दोस्तों वो चल रहे हैं, आप उनको पढ़िए, आप पेन और रजिस्टर रखिए साथ में, उनसे नोट्स बनाते जाइए, भले वो इंग्लिश में लिख रखा हो तो इंग्लिश मीडियम में अगर कोई बच्चा है उसको मतलब देखना है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मैंने सारी चीज इंग्लिश में लिखी। हिंदी मीडियम वाला अगर कोई बच्चा है दोस्तों, तो हिंदी मीडियम वाले के लिए दोस्तों मैंने सारे जो वर्ड्स एवं टर्म्स लिख रखे हैं वो सब मैंने हिंदी में बोले, तो आप पेन पेन रखिए रजिस्टर और उसमें लिखते रहिए, देखते रहिए क्या चीजें। अब उसके बाद दोस्तों मैं चौथे जो बात कर लेता हूँ दोस्तों की इसकी कोचिंग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, तो दोस्तों इसमें देखिए ऑनलाइन, ऑनलाइन जो है दोस्तों यूट्यूब पे जो है रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल ही रहे हैं, ये जब तक भर्ती नहीं हो जाते दोस्तों यूट्यूब के चैनल से नहीं हटाए जाएंगे और कभी भी नहीं हटाए जाएंगे, यही पड़े आप यहाँ से कभी भी जो है देख सकते हो। अब दोस्तों इसमें ऑनलाइन आने की बात है, जो कि लाइव, लाइव की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो लाइव के लिए क्या होता है, सब्सक्राइबर जो है दोस्तों, सब्सक्राइबर हमको चाहिए 1000 दोस्तों सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद जो है मैं जैसे आप भी बोल रहा हूँ रिकॉर्डेड वीडियो में ये लाइव वीडियो आपको दोस्तों मिल जाएगी, जिसमें आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हो और मैं उसका जो है सीधा जवाब दे सकता हूँ वहाँ पर दोस्तों, लेकिन उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जो अभी तक हमारे चैनल पे हुए नहीं है, इसलिए तो ये तो दोस्तों लेट की बात, अगर हो जाते हैं आपकी वैकेंसी निकलने से पहले तो हम जरूर आपसे लाइव मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में क्या होता है कि दोस्तों जहां मैं रहता हूँ या जो नजदीकी जो है बड़ी सिटी जैसे ब्यावर की बात कर ले, तो वहां तो दोस्तों जो अवेलेबल अवेलेबिलिटी के बारे में सोचा जा सकता है कि हो जाएगा, लेकिन अभी ये दोस्तों मुश्किल लग रहा है क्योंकि बच्चे कितने होते हैं वहाँ आना जाना सारे जो झंझट है दोस्तों, इसलिए ऑफलाइन के जो है अभी कोई गुंजाइश नहीं बन रही, लेकिन अगर काफी जो स्टूडेंट की अगर मांग रहती है तो ये चीजें भी है दोस्तों प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब उसके बाद दोस्तों हम पांचवी इसमें बात कर लेते हैं नोट्स, बहुत सारे बच्चों का आता है कि सर जो है आप नोट्स प्रोवाइड करवा दो हमें सीधे जो है नोट्स दे दो हैंड रिटन, तो दोस्तों नोट्स की मैं बात कर लूँ, नोट्स जो है मेरे पास जो समस्या है एक तो दोस्तों इंग्लिश में है, क्योंकि मैंने सारे नोट्स जो इंग्लिश में बना रखे, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो तो वो जो है दोस्तों ये नोट्स जो है ले सकता है, लेकिन ये आपको दोस्तों तब मिलेंगे जब ये सारी चीजें ये कंप्लीट हो जाएगी और वैकेंसी के जो है दोस्तों एक बार कंफर्मेशन हो जाएगा, आप फॉर्म भर लोगे उसके बाद नोट्स की अवेलेबिलिटी। उसके बाद दोस्तों इसमें बात करें हिंदी की, तो हिंदी में जो नोट्स है दोस्तों वो जो हमने जो हमारे स्टूडेंट थे उनसे लेके बना रखे हैं, वो उनकी फोटोकॉपी करवा रखी है, तो वो आपको प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन वो बाद में होंगे। अब दोस्तों इन दोनों नोट्स की हम बात करें तो ये दोस्तों एक तो आपको हो जाता है बाय पोस्ट कैसे किया जाए, और एक हो जाता है दोस्तों पीडीएफ, तो दोस्तों बाय पोस्ट और पीडीएफ, अगर बाय पोस्ट जहां भी आपको चाहिए दोस्तों जहां आप हो, अगर आप वहां का एड्रेस जो है सेंड करते हो चैनल में कमेंट में लिख दीजिए, या जो मेरा मोबाइल नंबर दे रखे दोस्तों वहां अगर आप व्हाट्सएप कर लेते तो बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा, उसके जो भी खर्चा होता है फोटोकॉपी का वो आपको भिजवाना पड़ेगा, और बाय पोस्ट के जो भी पैसे लगते हैं वो आपको भिजवाना पड़ेगा, आप तक भिजवा दिया जाएगा। दूसरा दोस्तों इन सबसे सस्ता पड़ता है पीडीएफ वाला, तो पीडीएफ में हम जो जितने भी नोट्स हैं उनकी पीडीएफ बना लेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, आपको मीडियम भी वहां दोस्तों मेंशन करना है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, हम सारे जो नोट्स आपको पीडीएफ बना के दोस्तों भेज सकते हैं। अब दोस्तों इसकी जो बात कर ले हम कि ये कैसे मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, दोस्तों आप जो मेरे जो मोबाइल नंबर है दोस्तों वो नोट कर लीजिए आप 9116844597, ये दोस्तों मोबाइल नंबर है मेरे,
तो इस पे आप जो है व्हाट्सएप कर लीजिए, आजकल सबके पास फोन तो होते हैं, व्हाट्सएप कर लीजिए दोस्तों कि आपको किस फॉर्म में कैसे आपको नोट्स चाहिए, तो वो भिजवा दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये कंप्लीट होने के बाद जब वैकेंसी की कंफर्मेशन आ जाएगी और वैकेंसी में जो है महीना भर रहेगा, जब फॉर्म वॉर्म आप भर लोगे तो तब आपको ये भिजवा दिए जाएंगे। अब दोस्तों ये तो हमारे को की टेक्निकल जो है उसको हम कैसे पढ़े, दूसरी दोस्तों हम बात कर लेते हैं जीएस जनरल साइंस, जीके जनरल नॉलेज और मैथ। तो दोस्तों जनरल जो साइंस है वो आपके दोस्तों टेंथ लेवल की आएगी, दसवीं तक के लेवल में जो है, दसवीं तक की क्लास के जो है दोस्तों क्या क्या उसमें पूछे जा सकते हैं तो वो आएगी दोस्तों। इसके भी जो वीडियो है मैंने ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल पे अपलोड किया, आप उनको देखिए, उनसे बनने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। उसके बाद दोस्तों आती है जीके। अब जीके में दोस्तों जो है पिछली बार का जो पैटर्न था उसमें दोस्तों जीके के जो कुछ क्वेश्चन वर्ल्ड लेवल के थे, प्लस दोस्तों इंडिया लेवल के हैं, प्लस राजस्थान, ये तीनों जो है चीजें दोस्तों यहाँ दे रखी थी। अगर सिलेबस में कुछ उलटफेर होता है तो दोस्तों इसी सेक्शन में होगा और किसी सेक्शन में, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होने की कि वर्ल्ड और वो इंडिया के छोड़ के राजस्थान में भर्ती निकल रहे, तो राजस्थान के वो ज्यादा देते, इससे ज्यादा वहाँ कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। तो आप इसके भरोसे तो बैठे ही मत रहो कि यहाँ मैं 2-4 नंबर 10 नंबर यहाँ से लाके कोई सिलेक्शन ले लूंगा, इसको नहीं, हमारा बेसिक मजबूत यहाँ करना है हमको, ये तो जैसे ही बदलाव होगा हम पढ़ लेंगे। तो दोस्तों वर्ल्ड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको ध्यान रखनी है, उसके भी वीडियो हम लगातार जो है चैनल पर डालते जा रहे हैं, रोज आपके लिए कुछ ना कुछ दो तीन वीडियो जो है डालते जा रहे हैं। इंडिया के बारे में जानकारी रखिए, राजस्थान का तो जो हमें रेट के हिसाब से जो है दोस्तों पूरा ही आपको जो है मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई टेंशन लेने की यहाँ जरूरत है नहीं। उसके बाद दोस्तों हम मैथ कर ले, तो मैथ जो है हमारे वो भी दोस्तों टेंथ लेवल की आएगी, दसवीं तक के जो है जोड़ बाकी गुणा भाग जो है क्यूब रूट जो भी इसमें स्क्वायर रूट वगैरह जो पूछते हैं, लाभ हानि प्रतिशत, उनसे जुड़ी हुई कुछ छोटे मोटे सवाल आ सकते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। उसके भी जो है काफी वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर दिए गए और कुछ जो बचे हुए हैं वो भी दोस्तों हम सारे इसमें डाल देंगे। तब तक आप दसवीं लेवल की जो है दोस्तों तैयार रखिए। इसके अलावा मैं एक आप बता दो, आपने आईटीआई पढ़ते साइंस दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस वो पढ़ी होगी दोस्तों, उसमें सारे बहुत सारे अच्छे सवाल है, उनसे भी जो है क्वेश्चन यहाँ पुटअप हो सकते हैं, वो ध्यान रखिए। और 50 नंबर सेवन भी जो आप कोशिश कीजिए कि 30, 35, 40 और हो सकता है 50 से 85 आप लाने की कोशिश करें, ताकि इधर अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो तो भी क्या हो दोस्तों यहाँ से कवर किए जा सकते हैं, ये चीजें ध्यान रखें। तो ये दोस्तों इसमें एक रणनीति के तहत हमको पढ़ाई करनी है दोस्तों, इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है बेसिक। आप जो है सब्जेक्ट को जो है टाइमिंग फिक्स रखिए दोस्तों, जैसे 3-4 घंटे सुबह पढ़ाई कर ली, 3-4 घंटे शाम को पढ़ाई कर ली, यूं नहीं कि घूम से फिर हमने किताब लेकर भी पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, हम हर कुछ देख रहे हैं चल रहा है सारी चीजें की हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसे ना रखें दोस्तों। आप सेटिंग दें अपने आपको, 2-3 महीने इसमें लगे रहें और फिर आप कहीं जो है इसकी संभावना बनेगी आपके सिलेक्शन की, तो उसमें मजबूती से पूरे पूर्ण रूप से अपने आपको झोंके और इन चीजों को क्लियर करें। अब दोस्तों जो ये सारी चीजें मैंने बता दी, अब मैं चैनल की बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसमें जो लगातार जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं दोस्तों उसमें अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो दोस्तों आप नीचे कमेंट कर दें कि भाई ये चीज हमको वापस समझ में नहीं है, ये कैसा हुआ, तो मैं उसको जो है कमेंट में या वापस से वीडियो बना के जो भी संभावना होगी मैं आपको क्वेश्चन के जो है आंसर देने की कोशिश करूंगा, कि जिससे कि कोई भी चीज है जो यहाँ मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा जो तरीका है हम दोस्तों बेस से ही जो है इजी टू हार्ड की ओर ही चलेंगे, हम सीधे जो है यहाँ कोई चीजें नहीं दे सकते। तो ये दोस्तों एक रणनीति के तहत जो हमें पढ़ाई करनी है, हमने सारी चीजें आपको बता दी यहाँ क्या क्या चीजें होने वाला। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।